नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपार धन संपदा अर्जित करने का एक सटीक उपाय लेकर आई हूँ। अगर व्यापार चलता ना हो, धन रुकता ना हो, पैसे टिकते ना हो, कर्जे बढ़ रहे हो, तो ये उपाय जरूर करके देखिएगा। करना कब है और किस तरह से करना है जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बात करते हैं उपाय के बारे में। ये इतना सटीक उपाय है, अगर इसको सही ढंग से किया जाए तो जो भी आपकी मन की इच्छा होगी वो पूर्ति होगी और धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। करना क्या है आपको, ये उपाय पूर्णिमा के दिन से शुरू करना है। आपको नाग केसर के 5 फूल लेने हैं, बेल पत्र 5 पत्ते लेने हैं। उसके बाद आपको अपने घर के नजदीक जो भी शिव मंदिर हो, जहां पर प्राचीन शिवलिंग हो, वहां पर जाना है। सबसे पहले शिवलिंग में आपको गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर दूध, दही, शक्कर, शहद, घी से शंकर भगवान शिवलिंग का अभिषेक करना है। और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना को बोलते हुए आपको नाग केसर के 5 फूल और बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इसके बाद आपको अपनी विनती रखते हुए वहां पर बैठ करके नमः शिवाय का जाप करना है। इसके बाद आपको पूर्णिमा के दिन से जब ये शुरू करें और जितने भी पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा तक जो भी सोमवार पड़ते हैं उस सोमवार को आपको ये उपाय करते रहना है। जब लास्ट वाला सोमवार आए तो जो आपने उसमें नाग केसर का फूल और बेलपत्र चढ़ाया है भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के ऊपर, उसमें से एक नाग केसर का फूल और बेलपत्र एक पत्ता ले लेना है। उसको ले आकर के अपने घर में धन के स्थान पर रखना है, या आप अपने पास उसको किसी पीले कपड़े में या लाल कपड़े में लपेट करके अपने पास रखें, या अपने घर में कहीं लॉकर में रख दें जहां पर आप धन संपत्ति रखते हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में जो धन से संबंधित जुड़ी परेशानी है खत्म हो जाएगी, आपके व्यापार में ग्रोथ होगी, धन आने के मार्ग खुलने लग जाएंगे। अगर आपका धन रुकता नहीं है तो आपका धन रुकने लग जाएगा, आपके स्थिरता बनेगी धन संपत्ति में। तो दोस्तों, ये उपाय है छोटा लेकिन इसके जो नतीजे निकलते हैं बहुत अच्छे निकलते हैं। दोस्तों, इसको जरूर करिएगा। इसी तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।